आयशा टाकिया आज अपना 36वां जन्मदिन मना रही हैं, लेकिन जन्मदिन से पहले आयशा और उनके पति फरहान आजमी के साथ एक ऐसी घटना घटी जिससे वह दोनों काफ़ी परेशान हो गए। आयशा और फरहान आजमी के साथ गोवा एयरपोर्ट पर बदतमीजी हुई। दोनों अपने बेटे के साथ मुंबई लौट रहे थे, तभी एयरपोर्ट के अधिकारियों ने आयशा और फरहान के साथ बदसलूकी की। इस बात की जानकारी फरहान ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर दी। इस पोस्ट में फरहान ने एयरपोर्ट के दो अधिकारियों पर बदतमीजी करने और फिजिकल होने का आरोप लगाया। आयशा टाकिया के पति फरहान आजमी ने एक साथ कई ट्वीट किए जिसमें उन्होंने एयरपोर्ट मैनेजमेंट पर अपना गुस्सा जाहिर किया। इस ट्वीट में उन्होंने कुछ तस्वीरें भी शेयर की जो एयरपोर्ट के अधिकारियों की हैं। इन तस्वीरों के साथ फरहान ने लिखा, डियर एट CISF हेडक्वार्टर्स, मैं मुंबई के लिए रवाना हो रहा था और मेरी फ्लाइट गोवा में 6:40 पर थी। उस दौरान रेसिस्ट RP सिंह, AK यादव और सीनियर अफसर बहादुर ने मुझे मेरे परिवार से अलग कर दिया। उन्होंने मेरा नाम पढ़ने के बाद ऐसा किया। फरहान आजमी ने अपने दूसरे ट्वीट में लिखा, इस मामले ने विवाद का रूप तब ले लिया जब सुरक्षा डेस्क पर एक अफसर ने मेरी पत्नी और बेटे को शारीरिक रूप से छूने और दूसरी लाइन में खड़े होने के लिए कहने की कोशिश की, जबकि अन्य सभी परिवार एक साथ खड़े थे। फरहान का गुस्सा यहीं शांत नहीं हुआ। उन्होंने तीसरा ट्वीट करते हुए लिखा, एयरपोर्ट पर यह सब यहां तक खत्म नहीं हुआ था। सीनियर अफसर बहादुर ने मुझे अलग किया और मेरी तलाशी ली। उसने उस समय भी मुझ पर आपत्तिजनक टिप्पणी की और मेरी जेब भी चेक की। उस वक्त मेरी जेब में सिर्फ 500 रुपये का नोट था। फरहान ने अपने इस ट्वीट में मुंबई पुलिस और गोवा एयरपोर्ट को भी टैग किए। फरहान आजमी के ये ट्वीट जैसे ही सोशल मीडिया पर वायरल हुए तो इस पर गोवा एयरपोर्ट की तरफ से तुरंत जवाब दिया गया। गोवा एयरपोर्ट ने फरहान आजमी और आयशा टाकिया से माफ़ी मांगी है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा, सफ़र के दौरान हुई असुविधा के लिए माफ़ कीजिए, इस मामले की पूरी जांच की जाएगी। आपको बता दें, वांटेड, दिल मांगे मोर, शादी नंबर वन, शादी से पहले, कैश, पाठशाला और दे ताली जैसी फिल्मों में नज़र आ चुकी अभिनेत्री आयशा टाकिया का आज जन्मदिन है। आयशा टाकिया आज 35 साल की हो गई हैं। आयशा आज फिल्मों से भले ही दूर हो चुकी हों, लेकिन सोशल मीडिया पर वो आज भी अपने फैंस का मनोरंजन करती हैं। 13 साल की उम्र में आयशा ने मॉडलिंग की दुनिया में कदम रखा था। फाल्गुनी पाठक के एल्बम के गाने मेरी चूनर उड़ उड़ जाए से आयशा को पहचान मिली। इसके अलावा वह कई विज्ञापनों में काम करती नजर आई। 15 साल की उम्र में ही आयशा को बॉलीवुड से पहली फिल्म का ऑफर मिल गया। यह फिल्म थी सोचा ना था। VideoDesk AmarUjala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।